सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि आप लोग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एटीएम कार्ड का पिन किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आपके पास एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया नया एटीएम कार्ड है, उसका आप लोग पिन बनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से एयू एप्लीकेशन की मदद से बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड का पिन बनाने का ए टू जेड कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। दोस्तों, इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देख लेना है, तो आपका जो एटीएम कार्ड का पिन है बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने प्ले स्टोर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे हैं, तो सिंपल सा यहाँ पर ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर आपके बैंक में लिंक है, उससे आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद 4 अंकों का एक एम पिन सेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरा जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एप्लीकेशन है ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो सिंपल से यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जो एम पिन 4 अंकों का सेट किया है, उस एम पिन को डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लॉगिन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे साइड देखेंगे, आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो सिंपल सा एक बार आपको डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 अंकों का डेबिट कार्ड नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एटीएम पिन डालना है। दोस्तों, यहाँ पर अभी तक आपने अपने पिन को नहीं बनाया है, सबसे पहले तो आपको अपने एटीएम पिन को बनाना होगा। इसके लिए नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आई डोंट हैव यहाँ पे एटीएम पिन। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपका जो एटीएम कार्ड का नंबर रहेगा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका जो एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट रहेगा, उसको यहाँ पे आपको डाल लेना है। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, 4 अंकों का एटीएम पिन सेट करने के लिए आ जाएगा, तो आपको अपने मन पसंद से यहाँ पे 4 अंकों का पिन सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, कन्फर्म एटीएम पिन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी उसी पिन को आपको डाल लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो बैंक में मोबाइल नंबर लिंक है, उसमें एक ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना होगा। जैसे यहाँ पर ओटीपी डालेंगे तो देख सकते हैं, एटीएम पिन हैज बीन अपडेटेड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो रेफरेंस नंबर रहेगा, सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से बैंक आ जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर दोबारा से आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कम्प्लीट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद 16 अंकों का आपको अपना एटीएम कार्ड नंबर डालना है, और नीचे यहाँ पे आपने जो अभी पिन को बनाया है उसको डालेंगे। उसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डाल लेना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ओटीपी डालेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका जो एटीएम कार्ड का पिन है सक्सेसफुली बन चुका है। उसके बाद आपको बैंक आ जाना है, और दोबारा से आपको डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं, आपका जो एटीएम कार्ड रहेगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और आपका जो एटीएम कार्ड का नंबर, सीवीवी, सारा कुछ यहाँ पे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरा जो एटीएम कार्ड का पिन है सक्सेसफुली बन चुका है। इसको हम एटीएम मशीन या फिर पॉस मशीन कहीं पर भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी इसी तरीके से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक डेबिट कार्ड का पिन आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।